भारी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और यहाँ से कुछ दूरी पर ही इजरायली एम्बेसी है। मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपने कैमरामैन सत्या को कहूंगा कि यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करें। ये आप देखेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। ये जो दूर है यहाँ पर स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी है वो वहां पर सामने, वो जो सामने का इलाका आप देख पा रही है ये वही पर जिस तरह की जानकारी जैसा स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कंफर्म किया था, जूम करके सत्या जो हमारे कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाएंगे कि वो वहां पर दिल्ली पुलिस के जो तमाम स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए। जो जानकारी मिली थी स्पेशल दिल्ली पुलिस को और दमकल विभाग के गाड़ियों अधिकारियों को 5:05 पर यह जानकारी मिली कि बंगले नंबर 6 से कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है, जिसके बाद स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए, जो जिसमें एक जो इजरायली एम्बेसी है वहां से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने आज तक कोई इस बात की पुष्टि की है। पहले भी इजरायली एम्बेसी की एक कार को प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर निशाना बनाया गया था स्टिकी बम से, जिसके बाद जैसे ये धमाके की खबर आई पूरी गंभीरता से स्पेशल सेल की टीम ने लिया, लेकिन इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान है उनको तैनात कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। अगर आप ये देखें तो दमकल की जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है एहतियात के तौर पर, बम डिस्पोजल की जो टीम है उसको भी बुलाया गया होगा, लेकिन स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। एंटी टेरर यूनिट है जिसको जांच के लिए जाना जाता है,